हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज के वीडियो में मैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के फेमस प्ले द एप्पल कार्ड के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करूंगी प्ले भी हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में है वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस वीडियो में हम सिर्फ एम के बारे में बात करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो और किस टॉपिक पर चाहिए तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है वेन वॉज जीबी शॉ बॉर्न एटीन फिफ्टी सिक्स एटीन फिफ्टी फाइव एटीन फिफ्टी नाइन और एटीन फिफ्टी फोर सो द राइट आंसर इज एटीन फिफ्टी सिक्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉट वॉज हिज नेशनैलिटी इंग्लिश मैन स्कॉटिश आयरिशमैन और वेल्श इसका आंसर है आयरिशमैन जॉर्ज बन्नाड शो जो थे वो आयरिशमैन थे वेन वॉज द प्ले द एप्पल कार्ड रिटर्न बाई जी बी शॉ नाइनटीन ट्वेंटी सेवन नाइनटीन ट्वेंटी एट नाइनटीन ट्वेंटी नाइन और नाइनटीन थर्टी एप्पल कार्ड प्ले कब लिखा गया था इसका आंसर है 1929। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्ले रिटर्न बाय जी बी शो कैंडिडा द सिल्वर बॉक्स सेंट जॉन द एप्पल कार्ट कौन सा प्ले है जो जॉर्ज बर्नाड शॉ ने नहीं लिखा है इन चारों में से वो है द सिल्वर बॉक्स What is the meaning of the title, the apple cart, in the play? A cart made of apples, a cart loaded with apples, or a cart named apples, apple cart, or the plan which somebody has in his mind which he wants to implement. This is the answer the plan which somebody has in his mind which he wants to implement. विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर द टू सेक्रेटरीज ऑफ किंग मैगनस निकोबार और निकोबार एंड सैप्रोनियस एक्टियस एंड सेंप्रोनियस पैमफिलियस एंड सैप्रोनियस और एंटोनियस एंड सेंप्रोनियस किंग मैगनस जो हैं इस कहानी के लीड कैरेक्टर और हीरो इसमें पूछा जा रहा है कि किंग मैग्नस के सेक्रेटरीज दो सेक्रेटरीज हैं उनका नाम बताइए अगर आपने ये प्ले पढ़ा है इसकी समरी भी पढ़ी है तो आपको ज़रूर पता होगा किंग मैग्नस के दो सेक्रेटरीज़ हैं पेम्फिलियस एंड सेम्प्रोनियस प्ले शुरू प्ले की शुरुआती इन दोनों की बातचीत के साथ में होती है प्ले के बारे में भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था अभी सिर्फ एम डिस्कस करते हैं हुज फादर इज़ बींग डिस्क बाय द टू सेक्रेटरीज इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले अभी मैंने आपको बताया था कि इन दोनों सेक्रेटरीज जो हैं पेम्फिलियस और सेम्प्रोनियस इन दोनों की बातचीत से ही प्ले की शुरुआत होती है और ये प्ले की शुरुआत में किसी के फादर के बारे में बात कर रहे हैं और वो किसके फादर के बारे में बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन है मैगनस बॉनार्जिस पेम्फिलियस और सेम्प्रोनियस तो ये बात कर रहे हैं एमप्रोनियस के फादर के बारे में वॉट इज द थीम ऑफ द प्ले द एप्पल कार्ट द प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी एंड द डेंजर टू विच इट इज एक्सपोज द प्रॉब्लम ऑफ स्लम लैंडलॉर्ड्स एंड देयर टेनेंट्स हीरोइज्म इन वार एंड पैशन ऑफ लव प्रोस्टिट्यूशन अब इसमें पूछा है द एप्पल कार्ड प्ले का थीम क्या है इसका थीम है द प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी एंड द डेंजर टू विच इट इज एक्सपोज विच वॉज द फर्स्ट प्ले ऑफ जी बी शॉ मिस वॉरेंस प्रोफेशन कैंडिडा विडोवर्स हाउस और आर्म्स एंड द मैन तो इसका आंसर है विडोवर्स हाउस नेक्स्ट क्वेश्चन विच मिनिस्टर ऑफ प्रोटीयस कैबिनेट इज ए लेबर लीडर प्रोटियस प्राइम मिनिस्टर हैं स्प्ले में उनके कैबिनेट के, के एक लेबर लीडर हैं उनका नाम क्या है बोनार्जिस प्लेनी निकोबार और क्रेसस तो बोनार्जिस हैं जो लेबर लीडर हैं वैन बोनार्जिस comes to meet the king. What is he wearing? A formal suit, pants and a t-shirt, a Russian blouse. None of these. इसमें पूछ रहा है कि बोनार्जिस जब किंग से मिलने जाता है तो उसने किस तरह के कपड़े पहने होते हैं Russian ब्लाउज बोनार्जिस एक रशियन ब्लाउज पहन के जाता है जिसकी किंग की बेटी तारीफ भी करती हैं उसके कपड़ों की लेकिन कैबिनेट के जो और मिनिस्टर्स होते हैं वो उसका काफी मजाक उड़ाते हैं कि वो उसे ये तक बोलते हैं कि उसे वापस जाना चाहिए घर और कुछ अच्छे कपड़े पहन के आने चाहिए बिल बोनार्जिस इन द कैबिनेट टू पोस्ट ऑफ बिल बोनार्जिस बोनार्जिस का ही पूरा नाम है उसी के बारे में बातें हो रही हैं द चांसलर ऑफ द एक्सचेकर द फॉरेन सेक्रेटरी The colonial secretary, president, the board of trade. President, the board of trade is the right answer. How many women characters are there in the play, the apple cart? Four, five, three, or six. Four women. What is the name of Magnus' wife in the play? Jennifer, Jessica, Jemima, or Jasmine? किंग मैग्नस उनकी वाइफ का क्या नाम है क्वीन जेमिमा हु इंटरप्ट द मीटिंग बिटवीन द किंग एंड बोनार्जिस द क्वीन द प्रिंसेस द प्रिंस और द सेक्रेटरी ऑफ द किंग मैंने आपको जैसे बताया था कि बोनार्जिस के कपड़ों के बारे में किंग की बेटी यानी कि प्रिंसेस तारीफ करती है ये क्वेश्चन भी वहीं से आता है तो इसका आंसर है द प्रिंसेस नेक्स्ट हु इज द प्राइम मिनिस्टर इन द प्ले निकोबार प्लेनी क्रेसस प्रोटियस तो प्राइम मिनिस्टर है प्रोटियस हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर वी इंट्रोड्यूस्ड टू इन द प्ले द एपल कार्ड सेवन एट सिक्स और नाइन नाइन वाई हज़ द कैबिनेट कम टू मीट द किंग कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं सारे वो किस लिए किंग से मिलने के लिए आते हैं टू डिस्कस द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट टू डिस्कस हाउ टू कर द इंटरफेरेंस ऑफ ब्रेकेज लिमिटेड टू डिस्कस द अमेरिकन प्रपोजल ऑफ द मर्जर ऑफ द टू कंट्रीज टू वर्न द किंग अगेंस्ट मेकिंग इंडिपेंडेंट स्पीचेज यही है लास्ट वाला इसका राइट आंसर है वॉट इज द नेम ऑफ किंग मैग्नस मिस्ट्रेस ओफेलिया ओरिसिस और ओमेलिया किंग मैग्नस की मिस्ट्रेस और वी कैन से बिलविड उनका क्या नाम है प्ले में उनका नाम है ओरेंथिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट सूट किंग मैग्नस वेन एंड इगोस्टिक विटी एंड ह्यूमरस अ लवर ऑफ नेचर वाइज एंड सेगेशियस वेन एंड इगोस्टिक विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट सूट प्रोटियस प्रोटियस कौन है प्राइम मिनिस्टर याद रखिएगा श्रीड एंड क्लेवर हॉट टेम्पर्ड कूल एंड गुड ह्यूमर्ड गिवन टू थ्रोइंग टेंट्रम्स इसका आंसर है कूल एंड गुड ह्यूमर्ड ये कैरेक्टरिस्टिक है जो कि प्रोटियस यानी कि प्राइम मिनिस्टर के कैरेक्टर के ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं विद विच वेजिटेबल डस और कंपेयर द वाइफ ऑफ द किंग ओरथिया किंग की मिस्ट्रेस है वो किंग की वाइफ को यानी कि क्वीन को किस वेजिटेबल के साथ में कंपेयर करती हैं हाँ कॉलीफ्लावर कैबेज ब्रिंजल और पटेटो cabbage what does the american ambassador tell king magnus which disturbs him that america has decided to merge into great britain that america has decided to break all economic ties with britain that america wants the loan taken by britain during the world war should be repaid at once that america wants to break all diplomatic relations with britain this answer is that America has decided to merge into Great, Great Britain. What is the king's plan after his abdication? To live a retired life, to go on a world cruise, to take active part in politics by contesting elections, to become a social worker, to take active part in politics by contesting elections. Which minister has been implanted by the Breakages Limited in the cabinet? Belbus, Pliny, Proteus, or Crassus? Crassus. Which minister had frightened the chairman of the Breakages Limited out of her constituency? Amanda, Bonerges, Pliny, or Nicobar? It's Amanda which is the company which stands for capitalistic control in the play the apple cart remington steel's limited breakages limited forbes company limited or opus limited its breakages limited which imaginary character is symbolized as the representative of american people john bull jonathan black uncle jonathan or pilgrim father. it's uncle jonathan. the term "bull roarer" has been used to describe which minister of the cabinet? proteus, crassus, bonages, pliny. is cancer who was on the point of upsetting the apple cart in the play? proteus. मैग्नस निकोबार और बोनरजेस मैग्नस व्हेन डिड जीबी शॉ डाई 1951 1950 1954 और 1948 1955 1950 में जॉर्ज बन्नाट शॉ की डेथ हो गई थी तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो समझ में आया हो और किसी हद तक ये वीडियो आपके एग्जाम्स में भी हेल्प करे अगर आप इस प्ले के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो आ रहा है इसी प्ले की समरी को लेकर और हम कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को लेकर अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं बस इतना ही और ज़्यादा कुछ नहीं मिलते हैं अगली वीडियो में टेल देन टेक केयर बाय